हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चटपटा और क्रंची बिल्कुल मुरमुरे के चूड़े की रेसिपी तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल बच्चा जैसा टेस्ट करेगा गारंटी लेती हूँ इस बात की और एक बार आपने बना के रख दिया ना इसको एयर टाइट कंटेनर में तो बिल्कुल महीना भर बचलना वाला है ये तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड ये हमने यहाँ पे लिया है स्टैंडर्ड वाला मुरमुरा मुरमुरे का पैकेट ये बाजार से मैं लेकर आई थी और ये काफ़ी फूले फूले और छोटे छुट छोटे से मुरमुरे हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कितने वाइट लग रहे हैं ना तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिए मेरे को तो घर के लिए बनाना था तो उसी हिसाब से मैं मैंने ले लिया तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हम लेंगे तेल एक छोटा चम्मच या दो चम्मच आप तेल ले लीजिए इसमें डालेंगे सरसों के दाने जब वो तड़क जाए तब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और बाकी जो हमने मुरमुरे अपने निकाले थे वो हम इसमें डाल देंगे तो मैंने ना दो बार में करके मुरमुरे डाले पहले एक बार ये कर फ्राई कर लिए मुरमुरे और इसके बाद में एक बार और डाले थे क्योंकि घर के मैं को भी एक बॉक्स में भर के रख दिया था मैंने इसलिए तो एक बार में मेरी कढ़ाई बड़ी नहीं थी इसलिए मैंने एक बार में सारे नहीं गिरे तो इनको केवल पाँच मिनट के लिए हमें फ्राई करना है तो हमारे वहाँ पर मुरमुरे जो है वो फ्राई हो गए हैं अब उनको हम ठंडा कर लेंगे तो एक अलग से कढ़ाई में मैंने यहाँ पे जो अपने मक्के के जो चिप्स होते हैं ना वो लिए हैं उनको मैं इनको फ्राई कर लूँगी इसमें और ये थोड़े से जल्दी जल जाते हैं बहुत जल्दी कम आँच पर इनको तलना रहता है मेरी वीडियो के चक्कर में थोड़ी सी आँच ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए थोड़े से ब्राउन हो गए फिर बाद में सही हो गए थे तो अब मैंने लिए हैं मूँगफली के दाने अब इनको भी मैं बिल्कुल कम आंच पे तल लूँगी इसको तल के निकाल लेते हैं हम अलग से तो यहाँ पर हमारे मूँगफली के दाने भी जो हैं वो तल के तैयार हो गए अब मैंने लिए थोड़े से कड़ी पत्ता और इनको भी तल लेंगे कड़ी पत्ते तलने के बाद में एकदम क्रंची हो जाता है और है ना चूड़े में ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट करता है फिर हमारा चूड़ा तो यहाँ पे लिए थोड़े से काजू इनको भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक हम तल लेंगे यहाँ पे मेरे काजू भी तलेंगे तल ये ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डालिए नहीं तो इतना कोई जरूरी नहीं है तो अब हमारे जो मुरमुरे थे अब उसमें हमने डाल दिया अपने सारे इंग्रीडियंट्स जो हमने तल के रखे हैं ये मेरे पास में थोड़ी सी बूंदी रखी हुई थी और ये मटर के दाने भी रखे हुए थे तले हुए तो ये भी मैंने थोड़ा सा कलर के लिए ऐड कर दिया वरना कोई ज़रूरी नहीं है हाँ इसको डालने से बाजार वाली फीलिंग ज़रूर आ जाती है तो यहाँ पे हमने जो मक्के के चिप्स तल के रखे थे वो डाल दिए और ये जो कड़ी पत्ता है इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी वरना एक बड़ा बड़ा कड़ी पत्ता मुँह में आएगा वो तो अच्छा नहीं लगता तो अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे ऊपर नीचे कर लेंगे नहीं तो एक ही जगह से इकट्ठा हो जाएगा और मेरी कढ़ाइया मुझे छोटी पड़ रही थी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी और बड़ा ही कढ़ाइया लेनी थी बट डोंट वर्क कोई बात नहीं मेरे पास में यही थी तो फिलहाल मैंने यही ले लिया लेना है मुझे मार्केट से एक बड़ी कढ़ाई है तो अब लेते हैं हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट प्लेन सॉल्ट अब उसमें डाला है शक्कर और जो टाटरी होती है ना वो मैंने एक आधा चम्मच से भी कम मैंने टाटरी लिए जीरा पाउडर डाला है लाल मिर्च पाउडर डाला है और हल्दी तो हम पहले ही डाल चुके थे इसलिए इसमें हल्दी नहीं डालेंगे इन सबको मिक्स करके एक इसका जो है मिक्सचर तैयार कर लेते हैं अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ जो काजू है वो थोड़े से काजू मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए बचा लिए थे और थोड़े से इसमें डाल दिए हैं और वैसे भी ये तो ऑप्शनल है इतना कोई ज़रूरी नहीं और अब हमने जो अपना मसाला तैयार किया था चटपटा जो हमारे चूड़े को बनाएगा वो मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे और एक बार में मैंने दो ही चम्मच डाले हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है फिर उसके बाद में थोड़ा और डालेंगे फिर और मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे मैंने डाले हैं आलू भुजिया रखी थी मेरे पास में तो वो मैंने डाल दी है उसकी जगह आप अपने जो नायलॉन के सेव आते हैं वो भी डाल सकते हैं या फिर जो Uh, कोई और से हो आप वो भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है चूड़ा बन के तैयार हो गया है तो ऊपर से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ कड़ी पत्ते से और जो काजू मैंने बचा के रखे थे उससे और ये हमारा बढ़िया चटपटा क्रंची करारा मुरमुरे का चूड़ा तैयार हो गया है इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं ये पूरा एक महीना आसानी से चल जाएगा और फिर बना लीजिए बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय